करायला गेले काय आणि उलटे झाले पाय, अशी परिस्थिती सध्या पैठणगेट गुलमंडी कुंभारवाडा येथील व्यापाऱ्यांची झालेली आहे. आमच्या दुकानासमोर उभ्या राहणाऱ्या हातगाडीवाल्यांना हटवा अशी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे मागणी केली होती, पण आयुक्तांनी व्यापाऱ्यांच्या दुकानाचेच अतिक्रमण हटवून टाकले. शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या गुलमंडी पैठणगेट कुंभारवाडा परिसरात महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव पथकाने मंगळवारी सकाळी अभूतपूर्व अशी कारवाई केली होती. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी 10-10 फूट अतिक्रमणे हटवण्यात आली होती, त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती. गुलमंडी भागात ज्या व्यापाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे केली आहे ते स्वतःहून काढून घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली होती. टिळकपतच्या व्यापाऱ्यांनी हातगाडी चालकांविषयी तक्रार केली होती, त्यातून हातगाड्यांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते, मात्र मनपा आयुक्तांनी हातगाडी चालकांचेच ऐकून व्यापाऱ्यांच्या अतिक्रमणावर हातोडा चालवला. त्या मोहिमेमुळे दिवसभर 150 वर दुकाने बंद राहिली, परिणामी एका दिवसाची 1 कोटी वर उलाढाल ठप्प झाली. तसेच अतिक्रमणे काढताना 1 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असा 2 कोटींचा फटका बसल्याचा आरोपही काही व्यापाऱ्यांनी केला. सबसे पहले तो बात ये है कि 2 कमिश्नर एक जगह आना, ये बहुत बड़ी बात थी. हमने 2 कमिश्नर को एक जगह लाए, दोनों कमिश्नरों को एक ही बार बोला था, हम लॉ ऑर्डर हम फॉलो करेंगे. हमने बोला आप सब पूरा फॉलो करो लॉ ऑर्डर, हम आपका बीच में बोलेंगे नहीं. ठीक है, जो इंक्रूजमेंट वो लोगों ने निकाले तो उन्होंने वो प्लानिंग से चाहे थे और हमको बोल के आए थे कि हम इंक्रूजमेंट निकालेंगे. सेकेंड बात है कि हथगाड़ी हटाने की, हथगाड़ी वाले इतने ढीठ है वो तो पहले जगह दो फिर हटेंगे. अब कल कमिश्नर साहब ने हमको बोले कि हम पैठणगढ़ की पार्किंग उनको देंगे. ठीक है, आज उनके लोग आए मगर उनके लोगों ने कुछ ऐसा उनको डिक्लेयर नहीं करे कि हम पैठणगढ़ की पार्किंग उनको देंगे. और पैठणगढ़ का पार्किंग जब तक हमको नो हॉकर जोन मिलता नहीं तब तक आप धंधा वहाँ करो, बाद में जहाँ हॉकर जोन मिलेगा वहाँ आपने चल जाना. तो आज तो कमिश्नर साहब ने वो काम जो बोले थे वो करे नहीं. मगर हाँ, एक बात अच्छी थी, कमिश्नर साहब का रिक्शा आया था आज महानगर पालिका का, वो रिक्शा ने ये बोल के गया कि जिसको हथगाड़ी का लाइसेंस हो ना, लाइसेंस हमारे पास से लो, मगर पैठणगढ़ नो हॉकर जोन है, आप गाड़ी यहाँ मत लगाओ. तो ये कमिश्नर साहब की शुरुआत हो गई अभी. अभी देखिए, इसमें कुछ दुकानदारों का नुकसान हुआ, हम भी एग्री करते हैं, जो नहीं होना चाहिए था. कल जो घटना घटी रंगार गली के अंदर, वो घटना बिल्कुल नहीं घटना चाहिए थी. पर मसला ऐसा है कि देखिए, कुछ लोग काली भी करते हैं, कुछ लोग आगे पीछे भी करते हैं, उसके अंदर कल दुखद घटना होगी वो, जिसमें गरीब लोगों का नुकसान होगा. हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है और हम पूरे व्यापारी उनके साथ है. फिर पैठणगढ़ पे हम आए, पैठणगढ़ पे भी कुछ दुकानों के बोर्ड निकाले, हमने कोई व्यापारी उनका कोई चीज़ का विरोध नहीं करे. खाली हमारी मांग एक ही सिंपल सोपर मांग थी कि भाई आप हॉकर्स को पैठणगढ़ से निकालिए. पैठणगढ़ का नाम बेमतलब बदनाम हो रहा. आज पूरा महाराष्ट्रवाड़ा का लोग औरंगाबाद से आके परचेसिंग करते, वो पैठणगढ़ तिलकपत पे गुलमंडी पे आते, आज गुलमंडी पे आने को तैयार नहीं हो, लोग शहर के बाहर जाके परचेसिंग कर रहे. ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है.